सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं सविता पात्रा आपकी हिंदी मैडम क्लास 9 के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आज का हमारा पठन का विषय है नुक्ता। ये अत्यंत ही सरल विषय है, इसका व्यवहार करना आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आज का विषय हम पढ़ते हैं नुक्ता, जिसे आगत ध्वनिया कहा जाता है। तो बच्चों, अब देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में आगत ध्वनिया कौन कौन से हैं और नुक्ता क्या है। तो बच्चों, हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं का समावेश पाया जाता है, समझ गए बच्चों, जिसे हम विदेशी शब्द कहते हैं, तो उनका शुद्ध उच्चारण हिंदी की ध्वनियों से अलग है। जो आपके विदेशी शब्द हैं यानी कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्द हैं, इसका जो हिंदी के इनके शब्द हिंदी के ध्वनियों से अलग हैं। हिंदी में उनका यथारूप उच्चारण के लिए लिपि चिन्ह नहीं है। जो आपके विदेशी शब्द हैं तो उनके उच्चारण के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए कुछ व्यंजनों के मूल रूप को लिखने के लिए हिंदी के व्यंजन के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। अर्थात बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये आपके व्यंजन है, क ख ग ज फ आदि, ये सब आपके व्यंजन हैं। और उर्दू और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये जो इसके नीचे प्रयोग किया गया है इसको नुक्ता कहते हैं। उर्दू में क ख ग ज ह वर्ण के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। नुक्तों से युक्त उर्दू के इन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनाया, तो प्रचलन में आने पर धीरे धीरे ये जो क ख ग के नीचे हम नुक्ता देख रहे हैं, प्रचलन के रूप में आने पर वो हट जाता है। लेखन में भी क ख ग के नीचे से नुक्ता हटा दिए गए, किंतु शब्दों के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के लिए ज और फ के नीचे नुक्ते युक्त वर्ण अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, जिसे आगत व्यंजन कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? इन आगत व्यंजनों से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि फोटो, फर्ज, मजदूर, ब्लेजर आदि। इनमें फोटो अंग्रेजी शब्द है और फर्ज उर्दू शब्द है। दोनों में जिस फ का प्रयोग हुआ है वह हिंदी के फ से भिन्न है। बच्चों, ये जो फ आप हिंदी का देख रहे हैं, इसमें एक नुक्ते के प्रयोग के कारण ये इस फ से अलग है, यानी कि इसका उच्चारण भी अलग हो जाता है। अब ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए एक नई तरह के चिन्ह का प्रयोग किया गया, यह न्याय चिन्ह है नुक्ता। समझ में आ गया बच्चों? ये जो नुक्ता है वो बिंदु के रूप में अक्षरों के नीचे लगाया जाता है, खास तौर पर ये दो वर्णों के नीचे अप्रयोग किए जाते हैं, वो पहला है ज और दूसरा है फ। समझ में आ गया बच्चों? हिंदी और विदेशी शब्द के
उच्चारणगत भेद को समझने के लिए निम्नलिखित शब्द को हम पढ़ते हैं। रफ अंग्रेजी शब्द है, फर्क उर्दू शब्द है, फट हिंदी, ईज अंग्रेजी शब्द है, जमाना उर्दू शब्द है, जामुन हिंदी शब्द है। इसके प्रयोग से इनकी शुद्धता ऐसी ही बनी रहती है जैसे कि अंग्रेजी भाषा में या उर्दू भाषा में होती है। ये सारे उर्दू और अंग्रेजी शब्द में जैसे उच्चारित होते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में किया जाए ताकि इनकी शुद्धता बनी रहे, इसीलिए बिंदु का प्रयोग हुआ है। समझ में आया बच्चों? निश्चित रूप से हिंदी वर्णमाला के जो फ और ज में और आगत ध्वनियां जो हैं उर्दू और अंग्रेजी के ज और ह में उच्चारणगत भिन्नता पाई जाती है। समझ में आया बच्चों? इसमें क्या भिन्नता पाई जाती है? इसमें जो उच्चारण होते हैं हिंदी के फ और ज से उर्दू और अंग्रेजी के फ और ज में अंतर पाया जाता है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स अधिक होता है, घर्षण कम होता है। हिंदी के बनवाला में स्पोर्ट्स यानी के बच्चों वेग पूर्वक मुंह से बाहर निकलना, और इसका अर्थ है अंग्रेजी और उर्दू में कोमलता अधिक होती है और घर्षण अधिक होता है, जबकि इसमें घर्षण कम होता है। हिंदी में घर्षण कम होता है और स्पोर्ट्स अधिक होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसे समझने के लिए बच्चों यहाँ पर ज से युक्त कुछ उर्दू शब्द दिए गए हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मजदूर, मजबूर, मरीज, जुल्म, जुल्फ, जरा, जर्दा, इज्जत। समझ में आ गया बच्चों? ये खाली उच्चारण ही नहीं होते हैं, इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जरा, और हिंदी में इसका उच्चारण होगा जरा। ठीक है बच्चों? आप देखते हैं ज से युक्त कुछ अंग्रेजी शब्द जैसे कि इज, रिलीज, जज, ब्लेजर, अंग्रेज, इज़राइल, फ्रीज आदि। तो बच्चों ये नुक्ते के प्रयोग से इनकी शुद्धता ऐसे ही बनी रहती है जैसे कि अंग्रेजी और उर्दू भाषा में ये जो अकल च का होता है। समझ आ गया बच्चों? फॉर्म में भी वैसे ही उसका व्यवहार किया जाता है, जैसे कि आपका फ का कुछ उर्दू शब्द हैं फरियाद, फर्ज, फक्र, फतवा, फुजुल, फजियत, फरमान, फकीर आदि। इसी तरह से फ से युक्त कुछ अंग्रेजी शब्द इस प्रकार हैं जैसे शूट, फ्रेम, फादर, रफ, फ्रेंड्स, फीसर, फीस, फिल आदि। तो बच्चों हमने सीख लिया है व्याकरण में नुक्ते का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से नियम होते हैं। तो आइए बच्चों आप कुछ प्रश्नाभ्यास कर लेते हैं। तो यह है पहला नंबर आपका, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थलों पर नुक्ते का प्रयोग कीजिए। जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर रेजिडेंट लिखा है तो आपको रेजिडेंट लिखना है। मजबूर के नीचे नुक्ते का प्रयोग करेंगे। फर्ज, यहाँ पर फर्ज,
यहाँ पर दोनों में, क्योंकि ज और फ दोनों में लगता है बच्चों, इसीलिए दोनों में ही नुक्ते का प्रयोग होगा। समझ में आ गया बच्चों? अभी प्रिज्म, यहाँ पर आपको ज के नीचे लगाना है। फांस यानी कि फ के नीचे, मजदूर ज के नीचे, फिश आपके फ के नीचे, ज़रूरत ज के नीचे नुक्ता लगाया जाएगा, जच्चा ज के नीचे, जानवर ज के नीचे, सॉरी ये जानकार है, ये जानवर है, तो ये ज के नीचे, दोनों के ज के नीचे नुक्ता लगेंगे। आगे के अभ्यास आप स्वयं करेंगे बच्चों। मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। रिलीज, फॉरेन, जरिया, फर्शी, फ्रीज, विजन, फॉज, साज, विस्फोट, हार, फावड़ा, अफलातून, जिंदगी, ट्रेजरी, फौलाद, फरमाइश, रीजन, फितरत, जाट, फाड़ना, फिदा, फोटो। समझ में आ गया बच्चों? इसको आप स्वयं अपने कॉपी में करके रखना। तो यहीं पर हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। फिर हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सुप्रभात।